नहीं देखिए, लुलु मॉल एशिया का सबसे बड़ा मॉल है, और जिस प्रकार से वहाँ पर 80% मुसलमान को ही उन्होंने रखा है, लेकिन 20% जो है हिंदू लड़कियों जो रखा है, एक भी मुस्लिम लड़की को नहीं रखा है, हिंदू लड़की को रखा है। भैया, सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय आजकल बना हुआ है लुलु मॉल। कारण, नमाज पढ़ने को लेकर जो वीडियो वायरल हुआ था वो, साथ ही एक और बड़ी बात जिसको लेकर सोशल मीडिया पर तरह तरह के दावे किए जा रहे हैं। भैया, कहा जा रहा है कि 80% मेल मुस्लिम और 20% हिंदू लड़कियां यहां काम कर रही हैं। इस फैक्ट के साथ कहा जा रहा है कि लखनऊ का लुलु मॉल लव जिहाद का अड्डा बन चुका है। अब इसमें कितनी सच्चाई है, क्या वाकई ये आंकड़े सही है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। नमस्ते, मैं गौरव कुमार पांडे हाजिर हूं यूपी तक पर। यूपी की राजधानी लखनऊ में बने लुलु मॉल पर तमाम लोगों ने मुस्लिमों के तुष्टीकरण का आरोप लगाते हुए इसका विरोध शुरू कर दिया। लुलु मॉल के प्रबंधन पर आरोप है कि मॉल में 80% स्टाफ में मुसलमान लड़के रखे गए, इसके अलावा जो भी लड़कियां हैं वो सभी हिंदू हैं। मॉल प्रबंधन पर यह गंभीर आरोप लगाते हुए हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास कहते हैं, नहीं देखिए, लुलु मॉल एशिया का सबसे बड़ा मॉल है, और जिस प्रकार से वहाँ पर 80% मुसलमान को ही उन्होंने रखा है, लेकिन 20% जो है हिंदू लड़कियों जो रखा है, एक भी मुस्लिम लड़की को नहीं रखा है, हिंदू लड़की को रखा है। यहाँ महंत राजू दास का कहना तो आपने सुन लिया, लेकिन इनके अलावा सोशल मीडिया पर लोग लिखते दिखे कि केवल नमाज पढ़ना ही बड़ा मुद्दा नहीं है, यहाँ जो एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं उनमें 90% मुस्लिम लड़के हैं, वहीं 100% यानी इनके अलावा अगर लड़कियों की बात की जाए तो वो सभी हिंदू हैं। कुछ कहते नजर आए कि यहाँ लुलु मॉल में लव जिहाद फैलाया जा रहा है केवल हिंदू लड़कियों को नौकरी देकर। इनके अलावा लोग ये भी कहते दिखे कि लखनऊ का लुलु मॉल लव जिहाद का अड्डा बन चुका है, हिंदू इसका बायकॉट करें। अब बारी थी इन बातों की सच्चाई का पता लगाना, तो हमने सबसे पहले लुलु मॉल के जीएम समीर वर्मा से बातचीत की, सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। सर, एक आरोप और हिंदू संगठन ये लगा रहा है कि वहाँ पे जो कर्मचारी हैं वो 80 और 20 का रेशियो दे रहा है, यानी 20% वहाँ पर महिलाएं हैं और 80% जो है मुस्लिम युवकों को काम दिया गया, ये आरोप लिखित में भी दिया है और लगातार बात हिंदू संगठन कह रहे हैं। नहीं, ये बिल्कुल ठीक नहीं है ये बात। हमने अभी इनको हम डेटा हम बता देंगे क्या है, तो ये बात बिल्कुल सही नहीं है। समीर वर्मा ने कहा कि ये बातें सही नहीं है। अब समीर वर्मा तो ओवरऑल लुलु मॉल के जीएम है, इनके अलावा हमने लुलु मॉल के सुपरमार्केट के जीएम नोमान खान से इस मुद्दे पर जब बात की तो उन्होंने अपने स्टोर के बारे में बताया। जी, अगर हम बात करें जो हम हाइपरमार्केट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर डायरेक्ट पेरोल पे लगभग 1100 से 1200 लोग है, और बात करें वर्क की तो हमने यहाँ पे 2 वॉक इन इंटरव्यूज रखे थे जो 2 अलग अलग डेट पे थे, और इसको हमने बहुत अच्छे से न्यूज़पेपर में ऐड दिया था, और उसमें मेरिट बेस पर बच्चे सिलेक्ट किए गए, और आपने खुद हमारे साथ में पूरा निरीक्षण किया है, यहाँ पर हर वर्ग के बच्चे हैं और अपने मेरिट पे ये सिलेक्ट होके इस रेप्यूटेड कंपनी में ज्वाइन किए हैं। तो यहाँ लुलु मॉल के सुपरमार्केट के जीएम नोमन खान ने भी इन दावों को खारिज कर दिया कि बातें सही नहीं है। तो जो बातें सोशल मीडिया पर चल रही थी उनकी ये सच्चाई थी। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहें यूपी तक और पढ़ते रहिए यूपी तक की वेबसाइट, जिसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, और बाकी तमाम जानकारी आपको यूपी तक पर मिलती रहेंगी। नमस्ते।